सुस्वागतम, खुशामदीद, वेलकम टू सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं अनु कपूर और आप सब महानुभावों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस शो में बहुत आभारी हूं कि आपने इतना प्रेम दिया इस कार्यक्रम को। बड़ा कमाल का रिस्पांस है इस प्रोग्राम के सुनने वालों का। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता हुआ ये प्रोग्राम एक बार फिर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आपका मित्र अनु कपूर। आज ख़ास दिन है इस वजह से, ये ख़ास दिन किसी एक मशहूर मारूफ अदाकारा के लिए, हीरोइन के लिए, एक्ट्रेस के लिए बहुत ख़ास दिन है। आज इस ख़ास दिन हम उस एक्ट्रेस का बर्थडे, जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। मेरा ज़र्फ़ देखकर तुम ज़रा बिजलियाँ गिराना, मुझे ताब हो जहां तक वहीं तक नकाब उठाना। मेरी जुस्तजू की राहें अभी तय नहीं हुई हैं, अभी दर्द बढ़ रहा है मेरे सामने न आना। ये अदाएं बहकी बहकी, ये निगाहें सायराना, कि जहां अभी तुमने चाहा वहीं रुक गया जबाना। मेरा जर्फ देखकर तुम जरा बिजलियां गिराना। सुश्री सायरा बानो। आज हम जन्मदिन मनाएंगे सायरा बानो जी का। 23 अगस्त 1944 की पैदाइश है सायरा जी की। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज जन्मदिन मनाने सायरा जी फोन पर हमारे साथ होंगी। तमाम जितने भी सुनने वाले हैं और स्टूडियो में बैठे हुए हमारे जितने दर्शक हैं, उन सब के लिए ये बेहतरीन नायाब तोहफा है सुहाना सफर विद अनु कपूर का, कि खुद सायरा जी हमसे गुफ्तगू करेंगी। 23 अगस्त 1944, सायरा बानो। हेलो सायरा जी, आदाब। अनु बोल रहा हूँ। सायरा जी, आज 92.7 बिग एफएम पर एक प्रोग्राम में करता हूँ सुहाना सफर विद अनु कपूर। 23 अगस्त को आपका बर्थडे है और हम सब स्टूडियो में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब आपका बर्थडे स्पेशल मनाने के लिए यहाँ पे मुंतजर हैं। सो लेट्स सिंग अ हैप्पी बर्थडे टू सायरा जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday dear Saira ji, happy birthday to you. थैंक यू सो मच, वेरी स्वीट ऑफ यू। तो भूल भी गई 23rd। नहीं, आप भूल जाए लेकिन हम नहीं भूलते हैं। चलिए ज़ेर नसीब आपने याद किया, बहुत खुशी की बात है। आई एम हैप्पी। सायरा जी, ये जानना चाहता हूँ मैं कि इंटरनेट पर कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि आप पैदा कहाँ हुई थी। मसूरी में आपकी पैदाइश हुई। मसूरी में पैदाइश। जी, जी, आप बोलिए। मालदा वहाँ गई थी व्हेन शी वाज एक्सपेक्टिंग मी एंड व्हेन इट वाज अबाउट यू नो हर टाइम टू डिलीवर मी। जी। तो वेल बिफोर दैट, उससे पहले वो वहाँ चली गई थी एंड वहाँ आई वाज बोर्न। मसूरी में 23 अगस्त 1944 के घर पे ही पैदा हुई वहाँ मसूरी में। वाह वाह, माशाल्लाह। 23 अगस्त में। जी। तो वालदा तो खुद बहुत बड़ी हीरोइन थी, तो बचपन से ही उस वजह से फिल्म की तरफ इंक्लिनेशन हुआ। मुझे तो बचपन से ऑफ कोर्स इश्तियाक था कि आई शुड बी अ हीरोइन। वालदा का ग्लैमर था मेरे आंखों के सामने, उनको देखा हुआ परी चेहरा नसीम बानो। जी। आपने उनकी फिल्म जो है पुकार देखी होगी। बिल्कुल। उनको बहुत ही कम मौका मिला काम करने का, क्योंकि बहुत ही जल्द उन्होंने शादी कर ली थी और हम बच्चे पैदा हो गए। और वालिद जो हमारे थे वो चाहते नहीं थे कि आपा जी मैं कहती हूँ मेरी वालदा। जी, मुझे मालूम है जी। कि वो फिल्म में कंटिन्यू करें। तो नसीम बानो का जो एक थंडरिंग करियर माशाल्लाह से, और जो बेमिसाल हुस्न उनका, इट हैड टू बी जस्ट केप्ट एट होम यू सी, एंड उनको इजाजत ही नहीं मिलती थी काम करने की बाहर। सो दैट्स हाउ बहुत ही कम फिल्म्स में उन्होंने काम किया। सायरा जी के परिवार की वो कौन सी हस्ती थी जिनकी जुगलबंदी होती थी संगीत सम्राट उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के साथ? आप खुद जानिए और सुनिए सायरा जी की जुबानी। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।